गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। आर यू डूइंग रिविजन विद मी? कि आप मेरे साथ साथ रिविजन कर रहे हैं कि आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको साथ साथ रिविजन करते चले जाना है, रिवाइज करते चलना है मेरे साथ साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास। क्लास वन, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नेम माई हाउस। दिस इज आवर रिविजन लेक्चर 6। वी हैड कंप्लीटेड आवर 5 रिविजन लेक्चर्स, यानी हम अपने 5 रिविजन लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दिस इज आवर रिविजन लेक्चर 6। ये हमारा रिविजन लेक्चर 6 है। दिस इज चैप्टर नंबर 6 माई हाउस। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 माई हाउस है। टूडे वी विल रिवाइज द चैप्टर नंबर 6 माई हाउस। ओके स्टूडेंट, यस लेट्स स्टार्ट। I am गीता, यानी इसने अपना यहां नेम बताया हुआ है, गीता इसका नेम है। I am गीता। This is my house. This is my house. It means ये इसके बारे में बता रही है, ये मेरा, यह मेरा घर है। This means यह है, is means है, my मेरा, house घर, यानी यह मेरा घर है। गीता ने यहां किसके बारे में बताया है? अपने घर के बारे में। यह मेरा घर है। इट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम सन, SUN, सन, RAIN, रेन, WIND, विंड, एंड KEEPS, कीप्स अस सेफ। इट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्या होता है? सुरक्षा देना, यानी बचाव करना, सुरक्षा करना। इट प्रोटेक्ट मी, ये मेरी सुरक्षा करता है फ्रॉम, किससे? सन, यानी सन मीन्स सूरज, सूरज से, धूप से, रेन बारिश से, विंड हवा से, एंड कीप्स अस सेफ, और मुझे सुरक्षित रखता है। जब आप घर के अंदर होते हो तो अपने आप को आप सेफ महसूस करते हो ना, तो यहां गीता ने भी यही बताया हुआ है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। इट प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम सन, रेन, विंड एंड कीप्स अस सेफ, यानी यह मेरी धूप बारिश हवा से सुरक्षा करता है, यानी मुझे बचाता है, और कीप अस सेफ, यानी मुझे सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। आई लिव, आई मैं लिव रहती हूं, आई लिव इन दिस हाउस, आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहती हूं, विथ माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा, जो आपके मम्मी पापा होते, PARENTS, पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा। मैं अपने मम्मी पापा के साथ इस घर में रहती हूं। इन माई हाउस, मेरे घर में, देयर आर मैनी रूम्स, बहुत सारे कमरे हैं। रूम्स क्या होते हैं? कमरे, ROOMS, रूम्स, यानी मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं। रूम्स, ROOMS, रूम्स, रूम्स क्या होते हैं? कमरे। इन में ए हाउस, एक यानी एक घर के अंदर कौन कौन से कमरे होते हैं उसके बारे में हम यहां पर बताएंगे आपको। पिक्चर में भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर शॉर्ट में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले KITCHEN, किचन, जहां आपकी मम्मा खाना बनाती है। ओके, नेक्स्ट ड्रॉइंग रूम, DRAWING, ड्रॉइंग, ROOM, रूम, ड्रॉइंग रूम। नेक्स्ट इज BATH, बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम। नेक्स्ट बेडरूम, BED, बेड, ROOM, रूम, बेडरूम। नेक्स्ट स्टडी रूम, STUDY, स्टडी, ROOM, रूम, स्टडी रूम।
स्टडी रूम क्या होता है, जहां आप अपनी पढ़ाई करते हो, और बेडरूम जहां आप सोते हो। नेक्स्ट डाइनिंग रूम, DINING डाइनिंग, ROOM रूम डाइनिंग रूम। मदर MOTHER मदर यानी मम्मी। कुक्स COOKS कुक्स, FOOD फूड, कुक्स फूड यानी खाना बनाना। इन द किचन मदर कुक्स फूड इन द किचन यानी मम्मी किचन में खाना बनाती है। आई मीन्स मैं, रिसीव RECEIVE रिसीव। रिसीव क्या होता है, जब आपके घर कोई गेस्ट आते हैं आप उनका वेलकम करते हो, उनको रिसीव करते हो। आपके घर आते हैं ना जब गेस्ट आते हैं तो रिसीव यानी उनका वेलकम करना। आई रिसीव माई गेस्ट GUESTS गेट्स यानी गेस्ट क्या होते हैं, आपके घर जो मेहमान आते हैं। GUESTS गेस्ट यानी जो मेहमान आते हैं आपके, कोई मिलने जुलने वाले आते हैं, जैसे मम्मी के ब्रदर जो आपके मामा हैं वो आते हैं, बुआ आती हैं, तो वो सब क्या है आपके गेस्ट हैं, या आपके फ्रेंड्स जो भी आपके घर मिलने आते हैं वो आपके सब गेस्ट होते हैं। एंड फ्रेंड्स FRIENDS फ्रेंड्स यानी दोस्त। इन द ड्रॉइंग रूम यानी आई रिसीव माई गेस्ट एंड फ्रेंड्स इन द ड्रॉइंग रूम यानी मैं अपने मेहमानों को और अपने दोस्तों को ड्रॉइंग रूम में रिसीव करता हूं यानी बिठाते हुए। ड्रॉइंग रूम में ही आते हैं ना आपके घर में जब गेस्ट आते हैं, तो आप उनका वेलकम ड्रॉइंग रूम में ही करते हैं, उनको रिसीव ड्रॉइंग रूम में करते हैं। ओके आई टेक टेक ए BATH बाथ। आई टेक ए बाथ इन द बाथरूम यानी मैं बाथरूम में नहाता हूं। आई टेक ए बाथ इन द बाथरूम। ओके आई टेक रेस्ट RESTरेस्ट। रेस्ट क्या होता है, आराम करना। एंड स्लीप SLEEP स्लीप स्लीप सोना। आई टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम BED बेड ROOM रूम। आई टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम यानी मैं बेडरूम में आराम करता हूं और सोता हूं। आई डू डू मीन्स करना। आई डू माई होमवर्क यानी अपना होमवर्क, मेरा होमवर्क। आई डू माई होमवर्क इन द स्टडी रूम STUDY स्टडी ROOM रूम स्टडी रूम जहां पढ़ाई करते हो स्टडी करते हो। आई डू माई होमवर्क इन द स्टडी रूम। मैं अपना होमवर्क यानी अपना गृह कार्य जो भी आपको होमवर्क मिलता है, मैं अपना होमवर्क अपने स्टडी रूम में करता हूं। आई ईट ईट मीन्स खाना। आई ईट मैं खाता हूं फूड FOOD फूड खाना। आई ईट फूड इन द डाइनिंग रूम यानी मैं अपना खाना डाइनिंग रूम में खाता हूं। लाइक दिस अब यहां पर देख रहे हैं ये आपकी डाइनिंग टेबल है जहां पर आप बैठकर अपना खाना खाते हो। तो आपके जो रूम्स हैं, रूम्स इन ए हाउस, कितने सारे रूम हो गए आपके। नंबर वन KITCHEN किचन। नंबर टू DRAWING ड्रॉइंग ROOM रूम ड्रॉइंग रूम। नंबर थ्री BATH बाथ ROOM रूम बाथरूम। नंबर फोर BED बेड ROOM रूम बेडरूम। नंबर फाइव STUDY स्टडी ROOM रूम स्टडी रूम। नंबर सिक्स DINING डाइनिंग ROOM रूम डाइनिंग रूम। तो ये आपके सिक्स रूम्स हो गए। हाउ मेनी रूम्स, सिक्स। किचन, ड्रॉइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, स्टडी रूम एंड डाइनिंग रूम। नाउ वी विल रीड क्विक स्क्रॉल। अब हम यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं क्विक स्क्रॉल, उनको
रिवाइज करेंगे. ओके, ये आपकी बुक में लास्ट में होते हैं, यानी ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, जो आपकी बुक में लास्ट में होती है. ये हर चैप्टर के पीछे होती हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंट आपकी इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो क्विक स्क्रॉल में आपकी बुक में सबसे लास्ट में आपको मिलेंगी. जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में कुछ पॉइंट्स होते हैं. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव, हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है. वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड टेक रेस्ट इन आर बेडरूम, हम अपने बेडरूम में सोते हैं और रेस्ट करते हैं. आप रेस्ट भी करते हो ना, अपने बेडरूम में जाके बेड पे लेटते हो तो रेस्ट करते हो. मदर कुक्स फूड इन द किचन, यानी मम्मी किचन में खाना बनाती है. वी स्टडी इन द स्टडी रूम, हम अपने स्टडी रूम में पढ़ते हैं, स्टडी रूम में यानी पढ़ाई करते हैं. इन द डाइनिंग रूम वी ईट टूगेदर, हम डाइनिंग रूम में साथ बैठकर खाना खाते हैं. टूगेदर मीन साथ, टी ओ जी ई टी एच ई आर, टूगेदर, टूगेदर मीन साथ में. इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम जहां आपके गेस्ट आते हैं. इन द ड्राइंग रूम वी सिट, यानी ड्राइंग रूम में हम बैठते हैं, एंड टॉक टू आर गेस्ट, यानी अपने मेहमानों के साथ बातें करते हैं. हम अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं और अपने मेहमानों के साथ बातें करते हैं. वी टेक ए बाथ इन दी बाथरूम, हम बाथरूम में नहाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज. अब हम क्या करेंगे, अपनी बुक एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे. ओके, तो आपको भी मेरे साथ साथ अपनी बुक रखनी है और साथ साथ रिवाइज करना है. चाहे वो आपकी चैप्टर रीडिंग है या बुक एक्सरसाइज है, तो आपको अपनी बुक ओपन करनी है और मेरे साथ साथ रिवाइज करना है. ओके, टिक द करेक्ट आंसर, यानी हमें यहां पर क्या करना है, करेक्ट आंसर को टिक करना है, ऐसे राइट वाला मार्क बनाना है. नंबर वन, वी लिव, वी मीन्स हम, लिव रहते हैं इन ए, वी लिव इन ए, आप कहां रहते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, उनमें से हमें चूज करना है, उसको टिक करना है और फिल भी करना है जो भी हमारा करेक्ट आंसर है. वी लिव इन ए, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, बी इज एच ओ यू एस ई हाउस, सी इज एच ओ एस पी आई टी ए एल हॉस्पिटल. तो वी लिव इन ए, हम कहां रहते हैं, स्कूल में रहते हैं या फिर हाउस में रहते हैं या फिर हॉस्पिटल में रहते हैं, तो कहां रहते हैं, वी लिव इन ए हाउस, विच वन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, वी लिव इन ए हाउस, और साथ साथ हमें इसको यहां पर फिल भी करना है, एच ओ यू एस ई हाउस. तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, वी लिव इन ए हाउस, यानी हम एक घर में रहते हैं. नेक्स्ट, ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यानी ए हाउस, एक घर प्रोटेक्ट अस, यानी हमारी सुरक्षा करता है, फ्रॉम किससे, हमारे पास यहां फिर थ्री ऑप्शन है, ए बी एंड सी. ए इज आर ए आई इन रेन, यानी रेन बारिश, बारिश से सुरक्षा करता है, रेन से सुरक्षा करता है. बी एन ई आई जी एच बी डबल ओ एन ई आई जी एच बी ओ यू आर नाइबर, तो नेबर, नेबर कौन होते हैं, आपके पड़ोसी. सी इज डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, तो ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यानी हाउस हमारी किससे सुरक्षा करता है, रेन, नेबर, डॉक्टर, तो विच वन इज करेक्ट, नेबर क्या होते हैं, आपके पड़ोसी, तो किससे सुरक्षा करता है, डॉक्टर से, नेबर से या फिर रेन से, सो ए इज करेक्ट, आर ए आई एन रेन बारिश, तो इसको हम यहां भी फिल करेंगे, आर ए आई एन रेन. नंबर थ्री, वी स्लीप, वी हम स्लीप सोते हैं, वी स्लीप इन दी, फिर थ्री ऑप्शन
ऑप्शंस है हमारे पास ए बी एंड सी. ए इज के आई टी सी एच ई एन किचन, बी डी आई एन आई एन जी डाइनिंग, आर डबल ओ एम रूम डाइनिंग रूम, सी इज बी ई डी बेड, आर डबल ओ एम रूम बेडरूम. तो आप कहाँ सोते हैं, किचन में सोते हैं, डाइनिंग रूम में सोते हैं या फिर बेडरूम में सोते हैं, विच वन इज करेक्ट. सो सी इज करेक्ट, बेडरूम. सो राइट डाउन बी ई डी बेड, आर डबल ओ एम रूम बेडरूम. अभी हमारे टिक द करेक्ट आंसर फिल हो गए हैं. वी लिव इन ए हाउस. नंबर टू, ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. नंबर थ्री, वी स्लीप इन द बेडरूम. सो यहां पे हिंदी एक बार हम हिंदी मीनिंग भी करेंगे. वी लिव इन ए हाउस, हम एक घर में रहते हैं. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, एक घर हमें बारिश से बचाता है. वी स्लीप इन द बेडरूम, हम बेडरूम में सोते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यानी हमें जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो जो हमारे बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से हमें फिल करना है. यहां पर फिल करना है, ये बॉक्स है हमारा जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ओके, आई डैश इन द डाइनिंग रूम. आई डैश यहां पर ब्लैंक जगह है, इन द डाइनिंग रूम. तो डाइनिंग रूम में आप क्या करते हैं, सी डबल ओ के आई एन जी एन जी कुकिंग, कुकिंग करते हैं यानी खाना बनाना. कुकिंग क्या होता है, खाना बनाना. बी ए टी एच बात, नहाना. ई ए टी ईट यानी खाना. स्टडी एस टी यू डी वाई स्टडी पढ़ना. तो डाइनिंग रूम में आप क्या करते हैं, ईट यानी खाना खाते हैं. आपका जो डाइनिंग रूम होता है आप वहां पर खाना खाते हैं ना, डाइनिंग टेबल पर बैठ के. आई ई ए टी ईट, आई ईट इन द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम में खाना खाता हूं. नंबर टू, आई डैश फिर यहां पर हमारी खाली जगह है, इन द स्टडी रूम. स्टडी रूम क्या होता है, जहां आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं. तो उसमें आप यहां पर क्या आएगा, क्या फिल करेंगे हम, आई डैश इन द स्टडी रूम. स्टडी रूम में आप कुकिंग करते हैं, बात नहाते हैं, स्टडी यानी पढ़ाई करते हैं. तो विच वन इज करेक्ट, स्टडी. सो राइट डाउन एस टी यू डी वाई स्टडी. आई स्टडी यानी मैं पढ़ाई करता हूं, इन द स्टडी रूम मैं अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करता हूं. नंबर थ्री, माई मदर डज डैश इन द किचन. तो मम्मा किचन में क्या करती हैं, तो सबको पता है. तो विच वन इज करेक्ट, कुकिंग. कुकिंग खाना बनाना, सी डबल ओ के आई एन जी कुकिंग. माई मदर डज कुकिंग इन द किचन, यानी अब मेरी मम्मा किचन में खाना बनाती है. आई टेक ए डैश इन द बाथरूम. तो बाथरूम में आप क्या करते हैं, बात मीन्स नहाना. सो आई टेक ए बाथ, बी ए टी एच बाथ. आई टेक ए बाथ इन द बाथरूम, मैं बाथरूम में नहाता हूं. तो फिर रिवाइज करेंगे हम एक बार इनको. अभी हमारे फिल हो गए हैं, जो हमारी ब्लैंक्स जगह थी वो फिल हो गई है. आई ईट इन द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम में खाना खाता हूं. आई स्टडी इन द स्टडी रूम, मैं स्टडी रूम में पढ़ाई करता हूं. माई मदर डज कुकिंग इन द किचन, मेरी मम्मा किचन में खाना बनाती है. आई टेक ए बाथ इन द बाथरूम, मैं बाथरूम में नहाता हूं. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, यानी हमें इनको मैच करना है. नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बी ए टी एच बाथ, आर डबल ओ एम रूम बाथरूम. नेक्स्ट इज बी ई डी बेड, आर डबल ओ एम रूम बेडरूम.
नेक्स्ट इज डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग, आर डबल ओ एम रूम ड्रॉइंग रूम. नेक्स्ट इज के आई टी सी एच ई एन किचन, यानी बाथरूम बेडरूम ड्रॉइंग रूम एंड किचन. तो हमें ये नीचे वर्ड्स दिए गए, हमारे रूम्स दिए गए हैं, उनको उनके पिक्चर से मैच करना है. लुक एट दिस, इसको ध्यान से देखें. सबसे पहले कौन सी पिक्चर है, यहां देखो इसमें सोफा है टेबल है, तो ये आपका, ये क्या है आपका, जहां अपने गेस्ट रिसीव करते हैं, तो ये हमारा ड्रॉइंग रूम. तो इसको हम ड्रॉइंग रूम से डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग आर डबल ओ एम रूम ड्रॉइंग रूम. सेकंड, सेकंड क्या है, यहां देखो गैस है, विंडो किचन, कुछ आपकी मम्मा मम्मा की किचन है ये, तो हम इसको किससे मैच करेंगे, किचन के आई टी सी एच ई एन किचन. नेक्स्ट हमारा क्या है, यहां पर फिर से देखिए, ये एक बेड है आपका, ये बिस्तर है, तो ये आपका एक रूम है. कौन सा रूम है ये, बेड बेडरूम बी ई डी बेड आर डबल ओ एम रूम, तो ये हमारा बेडरूम है, इसको हम बेडरूम से मैच करेंगे. नेक्स्ट इज, अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका बाथरूम है, तो बी ए टी एच बाथ आर डबल ओ एम रूम बाथरूम, जहां आप नहाते हो, तो ये हमने इसको मैच किया. उसके बाद आपको बहुत ध्यान से अपनी बुक में ये मैच करना है, और नीचे ये स्पेलिंग दी गई है, बाथरूम बेडरूम ड्राइंग रूम एंड किचन, तो आपको ये स्पेलिंग भी लर्न करनी है. ओके, नाउ आपके होमवर्क के लिए जो आपका असाइनमेंट मिलेगा वो एडवार को और आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, उसको मैं वहीं पे दूंगी आपको. तब तक आप अपना चैप्टर रिवाइज कीजिए और अपनी वीडियो देखिए. ओके, सो थैंक यू.